मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये है 41 से 100 तक के क्वेश्चनों वाला। आज 41 से 100 क्वेश्चनों में आप देखने जा रहे हैं किसे भाई, आज जीके के क्वेश्चन होंगे, आज कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। जीके और कंप्यूटर में कितनी तैयारी है आपकी, ये चेक करने के लिए हम उपस्थित हो चुके हैं। जैसे ही 8:30 बजते हैं वैसे ही हम आपके लिए उपस्थित हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने रख दिया गया है। जल्दी से बच्चे लाइव हो जाएं और जो बच्चे लाइव होते रहें वो अपने क्वेश्चन का भैया आंसर भी यहाँ पर कमेंट करना शुरू कर दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर है किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। सुमित गुज्जर जुड़ चुके हैं और यहाँ पर जो बच्चे भी जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम है और वे जो हैं जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप में, जिससे कि सभी बच्चे यहाँ पर जुड़ जाएं और क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दे दें। भाई शुभम कश्यप जुड़ चुके हैं और 41 के बी ऑप्शन के साथ दोनों ही बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं। शुभम कश्यप और सुमित गुज्जर दोनों ने ही कर दिया है 41 का बी, तो 41वें क्वेश्चन का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर कर दी है बच्चों ने। और क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ चुका है। अक्षय शर्मा भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर और धर्मवीर सिंह भी जुड़े हैं यहाँ पर, तो सभी बच्चे जो भी जुड़े हैं उनका भैया बहुत बहुत स्वागत है। कल से हम आपके लिए सुबह ही 7 बजे आपके लिए लेकर आ रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जीके की क्लास होगी आपकी सुबह ही 7 बजे। और कल आप सुबह 7 बजे से डेली एक एक वीडियो देखते चले जाएंगे और ये 100 वीडियो बनाई जाएंगे आपके लिए। 100 वीडियो डेली एक वीडियो आपके लिए दी जाएगी। देखिए अनुज भी जुड़ चुके हैं, पंकज राणा भी जुड़े हैं और सोम कश्यप ने 42 का कर दिया है भैया भी, अनुज ने कर दिया है 41 का भी। और चलिए जल्दी से बाकी बच्चे भी अपना अपना जो है आंसर कमेंट करें। 42 के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 के लिए सी ऑप्शन सही है। 42 का कौन सा ऑप्शन सही है भैया, 42 का सी ऑप्शन सही है। 43वां क्वेश्चन आपके सामने आसान क्वेश्चन है। 43वां, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो इस बच्चे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सभी बच्चे बहुत ही सही आंसर देंगे। यहाँ पर देखें हरीश भी जुड़े हैं, हरीश शर्मा 42 का सी कह रहे हैं, 42 का सी कह रहे हैं। और यहाँ पर मनदीप ने भी जुड़ चुके हैं, मनदीप कौर और अंकुर भी जुड़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है भैया। यहाँ पर देखे धर्मवीर ने डी कर दिया है, हरीश ने कर दिया है यहाँ पर 43 का बी, शुभम कश्यप बी कर रहे हैं यहाँ पर और हर्ष गुज्जर यहाँ पर कर रहे हैं भाई 43 का बी। 43 का बी ऑप्शन बता रहे हैं लेकिन 43 का भैया यहाँ पर ए ऑप्शन है सभापति। देखिए संयुक्त संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है जबकि बुलाता उसे राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है भैया लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर बोला जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 44, सुमित कुमार खारी भी जुड़े हैं और मोहम्मद अनस भी जुड़ चुके हैं सुमित खारी के साथ और अंकुर ने भी 43 का कर दिया है भैया बी, अनुज का भी 43 का बी, सुमित गुज्जर का भी आ चुका है और यहाँ पर सभी बच्चे बी ऑप्शन के साथ गए हैं जबकि यहाँ पर ए ऑप्शन है। मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 43 था उसका पहला ऑप्शन सही है इस बात को, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर बच्चे जो गए हैं राष्ट्रपति के साथ गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष लिखा था तो बिल्कुल उसी के साथ जाते लेकिन यहाँ पर जैसे ही सभापति आया तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करने शुरू कर दें बच्चे। अब जहाँ अनस ने ए किया है, सुमित खारी कर रहे हैं एक, दिनेश भी जुड़े हैं, अनुज ने कर दिया 44 का डी और सुमित गुज्जर ने 44 का ए कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए अनस ने 44 का ए और सुमन कश्यप का भी ए आ चुका है 44 का, और 44 का भैया वो यहाँ पर
कितना ऑप्शन होगा जल्दी से ये देखें। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बच्चे यहाँ पर कितनी जल्दी आंसर दे रहे हैं ये देखने वाली बात है, यहाँ देखने वाली बात है। और इसका होगा भैया चौथा ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन इसका सही जाएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा। देखिए अगर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है तो हमेशा जीरो जूल कार्य होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 आ चुका। हर्ष गुज्जर 44 का डी कर चुके हैं, अंकुर ने ए कर दिया था, सुमन कश्यप का ए आ चुका था, अनस ने ए कर दिया था, सुमित गुज्जर का ये आ चुका है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 45 उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्य से निर्गमित की जाने वाली परमादेशों के प्रकारों की संख्या, परमादेशों के प्रकारों की संख्या बतानी है। सुमित गुज्जर 45 का ए कह रहे हैं और अंकुर ने कर दिया 45 का बी। सुमित गुज्जर ने 45 का ए और अंकुर ने कर दिया है 45 का बी और 45 का ए बता रहे हैं अनस, जबकि भैया 45 का यहाँ पर ऑप्शन होगा कितना सी, मतलब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, मतलब पांच प्रकार की आपके पास रिट होती है भैया। क्वेश्चन नंबर 46 आपके साथ है यहाँ पर। देखिए 45 के लिए सभी बच्चे आंसर कमेंट कर रहे हैं, हर्ष ने डी कर दिया था यहाँ पर, 44 का सुमित का ये आ चुका था, अंकुर ने बी, निखिल ने बी कर दिया था, अनस ने ए किया था, सोम कश्यप का ये, हर्ष गुज्जर का यहाँ पर 45 का बी और धर्मवीर का यहाँ पर आ चुका था 45 का सी। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अनुज ने 45 का सी किया और निखिल ने कर दिया है 46 का ए, निखिल ने 46 का ए किया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 के लिए जो ऑप्शन बन रहा है वो सेकंड ऑप्शन सही बन रहा है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 इस तरह से आपके सामने है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 अंकुर कुमार 46 का सी कर रहे हैं, अंकुर कुमार कर रहे हैं भैया 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, यहाँ पर बताना है बहुत गर्मी के समय दिन में दूर से राजमार्गों पर पानी पड़े होने का एहसास होता है, पानी की तरफ पहुँचने पर पानी गायब हो जाता है तथा और दूर दिखाई देता है और यह होता है एक भ्रम। तो यहाँ पर अनुज 46 का बी कर रहे हैं, अनस ने बी कर दिया है, सोम कश्यप का बी है भैया, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर आने शुरू हो चुके हैं। हर्ष गुज्जर की तरफ से बी और अनुज कुमार की तरफ से भी आया है क्या ऑप्शन बी। तो 47 का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक जवाब, बहुत सुंदर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? देखिए भैया यहाँ पर मोहम्मद अनस राणा कर रहे हैं 47 का बी, निखिल ने बी कर दिया है, पंकज राणा कर रहे हैं बी और अंकुर ने कर दिया है बी। क्वेश्चन नंबर 48 संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है ये बताना है 48 के लिए। सुमित गुज्जर ए लेकर आए हैं, अनस ने ए कर दिया है, निखिल ने कर दिया है 48 का डी, जबकि 48 के लिए पहला ऑप्शन फुटबॉल से संबंधित है भैया, संतोष ट्रॉफी। 49वां क्वेश्चन आपके सामने है। लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है, कितनी बार बुलाया जाता है? वर्ष में एक बार, वर्ष में दो बार, वर्ष में तीन बार या वर्ष में चार बार? मनदीप कौर 48 का एक बताया है, हर्ष ने एक बताया है, सोम कश्यप ने ये बताया, अंकुर ने भी बता दिया था 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए देखें सुमित गुज्जर का बी है और अंकुर ने कर दिया है 49 का सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 के लिए बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्ष में दो बार और 6 महीने में कम से कम एक बार सत्र बुलाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 50। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में होता है प्रकाश का वेग? हर्ष गुज्जर ने 49 का बी कर दिया है, अनस ने बी कर दिया है और निखिल ने भी बी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 का 50वां क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? हीरे में होता है भाई, पानी में होता है, निर्वात में होता है या हाइड्रोजन में होता है? तो 50 के लिए देखें यहाँ पर एक साथ आंसर आए, अनस ने सी किया है, निखिल ने सी किया है, सुमित का सी आ चुका है, अंकुर का सी और पंकज राणा कर रहे हैं ए, लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेजोरिटी किसके साथ है? सी के साथ है और सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 51वां क्वेश्चन सोम कश्यप सी कर रहे हैं, अनुज ने भी सी कर दिया है, मनदीप पौर का 50 का बी दिया गया है, लेकिन 50 का हो चुका है सी,
51वां क्वेश्चन, कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं? बताना है भाई कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 51, 51 का ये बता रहे हैं सुमित गुज्जर, 51 का ये बता रहे हैं सुमित गुज्जर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर अगर 51 की बात करूँ तो सी ऑप्शन सही है। सार्क देशों में कितने देश शामिल हैं भैया? 8 देश यहाँ पर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रख दिया गया है, कौन सा 52वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने। कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः या पूर्णतः तरल में डुबोई जाती है तो तरल द्वारा विस्थापित भार के बराबर एक ऊपरी प्रतिबल अनुभव करती है, किसके द्वारा बताया गया है? ये भी एक आसान क्वेश्चन है, अनुज कुमार कर रहे हैं 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का मैं समझता हूँ आसान सा क्वेश्चन और आसान सा जवाब बच्चे लेकर आएंगे बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का ये भाई सभी का सही होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 52 सभी का सही होना चाहिए। हर्ष ने कर दिया है 51 का सी, और देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 के लिए अनस ने सी कर दिया है, सुमित का सी आ चुका है, अंकुर का सी आया है, और निखिल ने भी 52 का सी कर दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है तैयारी, ये तैयारी ही तो देखनी है, यही तैयारी तो आपको लेकर जाएगी NTPC ग्रुप डी में भर्ती कराएगी। यही तैयारी चाहिए, यही तैयारी चाहिए कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखें वैसे ही आपका आंसर सही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने सुमिलित करना है, मिलान करना है। दो टेबल दी गई हैं और उसके बाद चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बनेगा ये बताना है आपको। अनुज कुमार कह रहे हैं 52 का सी, अनुज ने कर दिया है 52 का सी, अनुज ने कर दिया है भाई 52 का सी। 53वें क्वेश्चन के लिए बात चली है, क्वेश्चन नंबर 53 का क्या बनेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 53 का क्या बनेगा आंसर जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, 53 के लिए देखिए बच्चे लेकर आए हैं 53 का आंसर, और यहाँ पर देखिए 53 के लिए निखिल ने सी कर दिया है, अंकुर ने डी कर दिया है, तो निखिल का यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 54, 54वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए यह तंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर अनस ने 53 का सी किया, अंकुर ने डी कर दिया था, और यहाँ पर हर्ष ने कर दिया है 53 का सी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात चली है, अनुज कुमार 53 का सी कर रहे हैं और अनस ने कर दिया है 54 का डी। अनस ने क्या किया है भाई? 54 का कर दिया है डी, और डी बिल्कुल सही जवाब है, डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 55, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 55, 55 के लिए बताना है। यहाँ पर अंकुर ने 54 का सी कर दिया, हर्ष का 54 का डी आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 55, 55 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इसके लिए देखना होगा, इसके लिए देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, 55 का ये बता रहे हैं आदित्य शर्मा, सोम कश्यप ने सी बताया और सुमित गुज्जर ने सी बताया है। 55 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसराइल की संसद का नाम है निसेट। और यहाँ पर 56वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखना है एस्पा स्कीम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? सोम कश्यप ने चश्मा लगाया मतलब सही उत्तर पाया, हर्ष ने 55 का सी बता दिया है, और साथ ही साथ अनस ने भी कर दिया है भैया सी। क्वेश्चन नंबर 56 आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 56 के लिए देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन बता करते हैं बच्चे सही, जल्दी से बताइए सही ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से यहाँ पर आपको देना होगा सही जवाब। देखते हैं यहाँ पर सही जवाब की तलाश है हमें क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, 56 के लिए यहाँ पर बच्चे समय लेते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर बनेगा भैया वो पहला ऑप्शन सही बनेगा, ए ऑप्शन सही बनेगा, अनस ने डी कर दिया था और हर्ष ने बी किया, जबकि इसका ए ऑप्शन सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 57वां क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, 57वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आप किसके साथ हैं, किसके साथ जा रही हैं? 56 का अंकुर ने बता दिया है सी, 56 का अंकुर ने बता दिया है भैया सी, और जबकि 56 का हो चुका है यहाँ पर ए। 57वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 57 की बात है यहाँ पर आपको बतानी, क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, 57 का बता रहे हैं, देखिए अनस ने यहाँ पर सी किया है,
साथ ही साथ सुमित गुज्जर का सी है, निखिल का सी बी है यहाँ पर, और हर्ष ने 57 का सी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए देखें तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है भाई। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58वां क्वेश्चन आपके सामने है भैया, 58वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 58वां क्वेश्चन आपके सामने। इसमें से बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन बनेगा सही। क्या न्यायालय संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच कर सकते हैं, ये बताइए भाई। 57 के लिए निखिल, मतलब निखिल ने चश्मा लगाया तो सही उत्तर पाया इन्होंने भी, और यहाँ पर अंकुर ने 57 का भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 58वां क्वेश्चन बताना है, और 58वें क्वेश्चन का आंसर क्या ऑप्शन बन रहा है सही, 1, 2, 3 या 4, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा ये बताना है आप लोगों को जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए देखें, यहाँ पर समय जाता हुआ आपके हिसाब से ज़्यादा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा भैया? डी ऑप्शन सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 वो आपके सामने आ चुका है। देखिए निखिल ने 58 का ए कर दिया है, जबकि अनस ने 58 का कर दिया था सी। 59वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए बताना है किसका प्रयोग वातावरण को प्रदूषित करेगा, किसका प्रयोग वातावरण को प्रदूषित करेगा ये आपको बताना है। यहाँ पर 58 के लिए डी कर दिया है हर्ष ने, और निखिल ने कर दिया है 59 का सी कर दिया है यहाँ पर। देखिए किसने किया है, निखिल ने 59 का सी कर दिया है 59वें क्वेश्चन के लिए जो सही जवाब बनना है वो सी जवाब ही बिल्कुल सही है। सी बिल्कुल सही जवाब है, और यहाँ पर आपके सामने आ चुका है 7 रख दिया गया है 59 के लिए। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। निखिल के बाद अंकुर ने भी किया है, सुमित गुज्जर का सी है, और अक्षय गुज्जर भी जुड़ चुके हैं 59 के सी के साथ। तो यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने आ चुका है, और यहाँ पर देखिए हर्ष गुज्जर 59 का सी कर रहे हैं, अनस ने सी कर दिया है, अंकुर ने 59 का सी किया है। 60वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 60 के लिए बताना है आपको कि 60वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। कल आपको समय दूरी का यहाँ पर चैप्टर मिलेगा कल। यहाँ पर सुमित गुज्जर 60 का ए कर रहे हैं, सुमित गुज्जर कर रहे हैं भैया 60 का ए, बिल्कुल सही किया है इन्होंने। सुमित गुज्जर ने बिल्कुल सही जवाब दिया 60वें क्वेश्चन का। 61वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, निम्नलिखित में कौन रक्त में शामिल होता है, कौन रक्त में शामिल होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, निखिल का 60 का ए है, आदित्य शर्मा का ए है, और हर्ष गुज्जर का भी ए ऑप्शन हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का, और जो बिल्कुल सही है। 61वां क्वेश्चन, और ये भी एक आसान क्वेश्चन है, और इसका भी क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे फटाफट देंगे, जल्दी देंगे, बहुत सुंदर जवाब देंगे, और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया है सभी बच्चों ने कि एक भी बच्चे का ये क्वेश्चन का आंसर गलत यहाँ पर नहीं है। निखिल ने 61 का डी, सुमित गुज्जर का डी है, देखिए अक्षय गुज्जर का भी डी है, और अनस का भी डी है, हर्ष ने भी डी किया है, और आदित्य शर्मा का भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 62वां क्वेश्चन आपके सामने है, अंकुर ने कर दिया है 61 का डी, अंकुर ने भी 61 का डी किया है। क्वेश्चन नंबर 62 के लिए बताना है भैया कौन सा सही है। केंचुआ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 62 में। यूरिया, अमीनो अम्ल, अमोनिया, या यहाँ पर यूरिक अम्ल। तो मनदीप कौर 61 का डी बताया है इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब है भैया इनका भी 62वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 के लिए बताना है आपको सही उत्तर क्या है, सही उत्तर पाना है, 62 का जवाब देना है। तो 62 के लिए जवाब आए हैं, 62 के लिए जवाब आए हैं, देखिए 62 के लिए निखिल ने यहाँ पर सबसे पहले 62 का जवाब जो दिया है अक्षय गुज्जर ने, अक्षय गुज्जर की तरफ से ए ऑप्शन गया है 62वें का, जबकि आदित्य का ए है और निखिल का सी है। निखिल का यहाँ पर जवाब सही है, क्वेश्चन नंबर 62 का सी ऑप्शन सही है भैया। 63वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, अनस ने ए कर दिया है 62 का, हर्ष का सी आ चुका है, अंकुर का ए आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63, सिली पद किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए सिली पद किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 का ए बताया है आदित्य शर्मा ने, ए बताया है आदित्य शर्मा ने, जबकि क्वेश्चन नंबर 63 के लिए जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा भैया बी ऑप्शन क्रिकेट, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, मियादी ज्वर में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है,
क्वेश्चन नंबर 62 के लिए निखिल ने चश्मा लगाया मतलब सही उत्तर पाया। और यहाँ पर देखें 63 के लिए, 63 के लिए जवाब आए हैं यहाँ पर सुमित गुज्जर 63 का ये बता रहे हैं, अनस ने ये बताया है, हर्ष ने भी ए बताया है क्वेश्चन नंबर 63 का, और जगत कुमार 63 के बी के साथ जुड़े हैं, अंकुर ने भी बी कर दिया है, सुमित गुज्जर ने 64 का ए कर दिया है। 64 का ए क्या है, किसने, सुमित गुज्जर ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का ए कर दिया है। और 64 के लिए लेकिन यहाँ पर बनेगा कौन सा भैया, बी ऑप्शन सही बनेगा, बी ऑप्शन सही बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 65 का क्वेश्चन आपके सामने 64 के लिए, देखिए निखिल की तरफ से ए ऑप्शन आया है और साथ ही साथ अनस की तरफ से सी आया है, अंकुर की तरफ से भी सी ऑप्शन किया गया है 64 का, 64 का यहाँ पर बी ऑप्शन हो चुका है सही। 65वें क्वेश्चन के लिए बताना है आपको जवाब यहाँ पर 65 के लिए, देखिए ये आए हैं जवाब बहुत तेज़ी के साथ आए हैं, और निखिल ने ए कर दिया है, सुमित का ए आया है और अनस ने भी ए किया है, सभी ए के साथ गए हैं और यहाँ पर 65 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 66वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है, किस देश से प्राप्त किया है भैया लिखित संविधान के रूप को। देखिए यहाँ पर अनस के बाद जो हर्ष ने किया था, जगत का ये आ चुका था, अंकुर का ये आ चुका था, आदित्य शर्मा अभी क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कमेंट करने वाले हैं, निखिल ने सी कर दिया है 66 का सी कर दिया है निखिल ने यहाँ पर, और 66 का सी बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। कई बच्चे ऐसे तैयारी में हैं कि उन्हें किसी भी टाइप का क्वेश्चन दें आप बिल्कुल सही जवाब देते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से जब बच्चे सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने आ चुका है, निखिल ने एक बार फिर चश्मा लगाया मतलब सही उत्तर पाया, अंकुर ने 66 का सी किया, आदित्य शर्मा का भी सी है, 66वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इन बच्चों का। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 67वां, 67 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 67 जल्दी से बताना है, क्वेश्चन नंबर 67 का उत्तर पाना है, क्वेश्चन नंबर 67 जल्दी से बताइए भाई। 67 के लिए यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा समय ज़्यादा लेते हुए 67 के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, देखें यहाँ पर 67 के लिए जो ऑप्शन आए हैं, निखिल का ए आया है और यहाँ पर 67वें क्वेश्चन के लिए अंकुर ने कर दिया है भैया बी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 मतलब 67 क्वेश्चन के लिए जो आंसर बना वो बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, हर्ष का भी सही आंसर है, सुमित गुज्जर का यहाँ पर ए ऑप्शन है जबकि भैया बी ऑप्शन सही गया है। 68वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, कौन सा अनुच्छेद लाया गया था ये बताना है। 67 के लिए मनदीप कौर ने बता दिया है 67 का भी। 68वां क्वेश्चन 68 क्वेश्चन नंबर 68 के लिए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल्दी से बताएं और सबसे पहले अपना नाम पाएं, जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताएं। 68 के लिए अंकुर लेकर आए हैं 68 का ए लेकर आए हैं अंकुर, और बिल्कुल सही जवाब है अंकुर का यहाँ पर, देखिए 68 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 69वां आपके सामने आ चुका है, 69 आपके सामने आ चुका है, पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला मुख्यमंत्री पंजाब की बतानी भैया, पंजाब की बतानी है पहली महिला मुख्यमंत्री। और यहाँ पर देखिए 68 के लिए जगत कभी आ चुका था, निखिल अभी सोच रहे थे इसे, हर्ष ने कर दिया है ए और अनस ने कर दिया है 68 का ए। 69वां क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर देखें निखिल ने 69 का डी कर दिया, सुमित उज्जर का भी डी आ चुका है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 70वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का नाम क्या है, अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले जो पदार्थ हैं उसका क्या नाम है भैया ये बताना है। हर्ष ने डी कर दिया 69 का, अंकुर ने सी किया, अनस का डी आ चुका था, जगत का डी आ चुका था, सुमित गुज्जर का डी आ चुका था, निखिल ने डी कर दिया था 69वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 70 चल रहा है आपके सामने, अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का क्या नाम है, निखिल का 70 का ए आ चुका है और 70 का बी किया है जगत ने जबकि हर्ष ने कर दिया है 70 का बी। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें तो 70 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 71वां बताना है, क्वेश्चन नंबर 71 के लिए सही जवाब देना है,
मनदीप कौर कह रहे हैं कहाँ से है सर, 69 का भैया, 69 का डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर कहाँ से है जी, यहाँ पर देखें अंकुर कह रहे हैं 70 का, यहाँ पर ए जबकि सुमित गुज्जर ने बी कर दिया था, अनस ने यहाँ पर 71 का कर दिया है सी, अनस ने कर दिया है वही 71 का सी, और सी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है अनस का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 72 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अंकुर ने कर दिया 72 का भी और हर्ष ने कर दिया 71 का सी, अंकुर कर रहे हैं 72 का भी, 72 का कर रहे हैं अंकुर भी, जबकि 72 का है भैया ए ऑप्शन, 72 का कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। 73 का क्वेश्चन रख दिया गया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 71 के लिए सी बताया है सुमित गुज्जर ने, निखिल ने बता दिया है सी, और गौरव हुण यहाँ पर बता रहे हैं ए। क्वेश्चन नंबर 73वां आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है, प्रबलता की इकाई बतानी है, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताना है। 73 के लिए देखें यहाँ पर आंसर दिया है बच्चों ने, 73 के लिए अनस ने सी कर दिया है, निखिल ने सी कर दिया है, और सुमित का आ चुका है भैया ए। तो क्वेश्चन नंबर 73 के आंसर की बात करें तो भैया बी ऑप्शन सही है, कौन सा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने रख दिया गया है, यहाँ भी बेकाल्ट क्या है, क्या है बेकाल्ट ही बताना है, निखिल ने 73 का सी कर दिया है, जबकि हर्ष का यहाँ पर 73 का ए, और अंकुर ने भी कर दिया है 73 का ए, 73 का बी ऑप्शन हो चुका है भैया। 74वां क्वेश्चन आपके सामने पहुँचा दिया गया है, 74वां क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, 74 के सुमित गुज्जर 74 का ए बता रहे हैं, और मनदीप कौर ने 73 का सी बताया, 74 का सुमित गुज्जर ने दिया है यहाँ पर जवाब, और 74 का लेकिन डी ऑप्शन सही बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा भैया, डी ऑप्शन सही बनेगा। 75वां क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 75, तनाव को डैश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर 74 के लिए सुमित गुज्जर का 74 का अंकुर ने कर दिया है डी, अनस ने 74 का ए कर दिया है, मनदीप कौर प्लीज़ बुक बता दो प्लीज़, जिस ऐसे पेपर के लिए है, देखें ये जो है आप मतलब अलग अलग तैयारी करें, मैथ की अलग से तैयारी करें, चैप्टरों के हिसाब से रीजनिंग की अलग से तैयारी कर सकते हैं, और जीके की अलग से, तब बात बनेगी भैया, लेकिन ये है प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर हर्ष 74 का डी कर रहे हैं, अंकुर ने 75 का ए कर दिया है, अनस ने भी ए किया है, हर्ष का भी आ चुका है, निखिल का 75 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए अगर बात करें तो डी ऑप्शन सही है भैया, 75 का कौन सा, डी ऑप्शन सही बन जाएगा। 76वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, कौन सा, 76वां ये आ चुका है, 76वां क्वेश्चन भाई आपके सामने रख दिया गया है। 76 क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है, 76 के लिए बताना है कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, जल्दी से बताना है क्वेश्चन नंबर 76 के लिए 76 के लिए जल्दी से यहाँ पर आंसर बताएं और सही उत्तर देकर अपना नाम पाएं। 76 का जवाब, 76 का चाहिए भैया, यहाँ पर समय लगता हुआ 76 के लिए, और 76 का जो है वो है भैया सी ऑप्शन सही, 76 का क्या है, सी आदित्य शर्मा की तरफ से 75 का सी आया, लेकिन ये क्वेश्चन है 76वां, 76 का भी यहाँ पर सी ही ऑप्शन है। 77वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, 77वां, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण के साथ संबंधित है, देखिए 76 के लिए सी बताया है सुमित गुज्जर ने, अंकुर ने 76 का सी बताया, अनस ने 76 का ये बताया, क्वेश्चन नंबर 77 के लिए बताना है आंसर, 77 का आंसर क्या बनेगा भैया, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण के साथ संबंधित है ये बताना है, 77 के लिए आंसर आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर 77 के लिए सी बताया है सुमित ने, गौरव हुण ने भी सी बताया है, आदित्य शर्मा की तरफ से सी, और यहाँ पर अनस की तरफ से भी सी ऑप्शन कर दिया गया है, किसका, 77 का, 77 का सी ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 77 के बाद 78वां क्वेश्चन, 78वां, निखिल ने 77 का डी, अंकुर ने 77 का ए कर दिया है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ, कब हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ ये बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 78 है ये,
और 78 के लिए यहाँ पर सुमित ने बी कर दिया है, निखिल ने भी बी किया है, जबकि यहाँ पर 78 के लिए जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन सही बनेगा। जनवरी 2016 से हुआ था इसका शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने आ चुका है। 79वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निखिल का 78 का बी, अनस का भी बी आ चुका था देखिए यहाँ पर, और साथ ही साथ अंकुर ने कर दिया था बी। 79 क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस समय पहुँच चुका है। 100 क्वेश्चनों तक जाना है, जहाँ पर पहले 90 क्वेश्चनों तक की जो बात होगी वो जीके की होगी और उसके बाद के 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। तो यहाँ पर देखे अनस ने डी कर दिया है, निखिल का डी आ चुका है और सुमित गुज्जर का डी, लेकिन जो आंसर बनेगा, जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन सही है भाई। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80वां क्वेश्चन आपके सामने आदित्य शर्मा की तरफ से डी ऑप्शन किया गया है, अंकुर की तरफ से डी, और यहाँ पर सी ऑप्शन हो चुका है सही। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताना है। भारत की जो सबसे लंबी झील है उसका आपको नाम बताना है, सही जवाब यहाँ पर आपको देना है। देखिए 80 के लिए सुमित गुज्जर ये कर रहे हैं, अनस ने कर दिया है सी, और क्वेश्चन नंबर 80 की अगर मैं बात करूँ तो 80 के लिए डी ऑप्शन सही है। 80 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है भैया? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81वां आपके सामने है, देखिए भाई 81वां क्वेश्चन आपके सामने है, 81वां जल्दी से बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 81 के लिए निखिल ने 80 का सी कर दिया है और साथ ही साथ अंकुर का सी आ चुका है, आदित्य शर्मा की तरफ से बी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 का 81वां क्वेश्चन आपके सामने है भैया, 81 के लिए बताइए। 81 के लिए ए बता रहे हैं अंकुर, अंकुर ने बताया है ए 81 का, और यहाँ पर 81 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 82वां आपके सामने रख दिया गया है, 82वां क्वेश्चन ये है इस तरह से, निम्नलिखित में कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है, मतलब ब्रह्मपुत्र को और किस किस नाम से जाना जाता है। सुमित गुज्जर 81 का भी बता रहे हैं, अनस ने भी बी कर दिया है। 82वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 के में बताना है आपको ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम क्या हैं, ब्रह्मपुत्र को और किस किस नाम से जाना जाता है, ये आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 82, आशीष राणा भी जुड़े हैं आज, काफ़ी लेट जुड़े हैं आशीष राणा। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर जल्दी से दें भाई, क्वेश्चन नंबर 82 चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 82 के लिए क्या आंसर यहाँ पर सही बनेगा। 82 में समय ज़्यादा लगाया तो सही उत्तर के लिए हम बता देते हैं 82 का डी ऑप्शन सही है, 82 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, और ये रख दिया है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 83। देखिए यहाँ पर 82 की अगर बात करें तो अनस ने बी किया था, अंकुर का सी था, सुमित गुज्जर का भी था, और निखिल ने डी कर दिया था, तो डी ऑप्शन सही था भाई। 83वां क्वेश्चन बताना है, आशीष ने भी 82 का डी किया है, 83वां क्वेश्चन का आंसर बताना है। अच्छा एक बात और बताइए, क्या आपकी क्लास 8 बजे से कर सकते हैं? 8 बजे से अगर किसी बच्चे को दिक्कत ना हो तो आने वाली क्लासें हम 8 बजे से सोच रहे हैं कि 8 बजे से कर दें आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 83 के लिए बताइए। मोहम्मद अनस राणा 83 का भी बता रहे हैं, 83 का भी बता रहे हैं अनस राणा, तो 83 का भैया यहाँ पर लेकिन ए ऑप्शन है, कौन सा ए ऑप्शन सही बनेगा 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने रख देते हैं, और ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में कौन सा इकलौता एथलीट है जिसने 1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, मतलब भारत की तरफ से खेले थे ये, अनस ने बी कर दिया, आदित्य शर्मा की तरफ से सी है, और यहाँ पर आशीष राणा ने 83 का ए कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 84वां क्वेश्चन के लिए देखें, 8:30 बजे ही सही है, निखिल कह रहे हैं 8:30 बजे ही सही है, सुमित गुज्जर कह रहे हैं 84 का बी बता रहे हैं सुमित गुज्जर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का भैया ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 85वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, जल्दी से बताइए किसके लिए किया जाता है, सबसे अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 नहीं है सही जी, मतलब 8 बजे का टाइम सही नहीं बता रहे बच्चे एक तरह से। सुमित ने भी बता दिया है 84 का, आशीष ने बताया अंकुर का ए है, और यहाँ पर निखिल ने 85 का डी किया है।
तो क्वेश्चन नंबर 85 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, जबकि बी ऑप्शन सही बनेगा भैया, कौन सा बी ऑप्शन सही बनेगा। 86वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा 86वां क्वेश्चन आपके सामने है। ठाकुर आशीष राणा 85 का डी कर रहे हैं, अंकुर ने 85 का सी बना दिया है भैया, 85 का आंसर दे दिया है। 86वां क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रक्टोज का सूत्र बताना है आपको। कोई किसका भैया, फ्रक्टोज का सूत्र बताना है। 86वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ से आगे 14 क्वेश्चन आपके लिए बचेंगे आज, जल्दी से बताइए फ्रक्टोज का सूत्र क्या है, फ्रक्टोज का सूत्र क्या है ये बताना है। और कल जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनके लिए जानकारी के लिए बता दें, अब हम 100 वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, तो वो सुबह ही 7 बजे डेली मिलेंगी आपको, सुबह ही 7 बजे। यहाँ पर देखें, सुमित गुज्जर ने 86 का बी कर दिया है, आदित्य ने बी किया है, निखिल का बी आ चुका है, और मनदीप कौर का 86 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 86 के लिए बी ऑप्शन सही है भैया, बी ऑप्शन जो बच्चे कह रहे हैं बी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 87वां आपके सामने रख दिया गया है, और आशीष ने ची किया है, अंकुर ने कर दिया है 86 का बी। 87वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यहाँ पर मैस्ट्रॉन का नाम मैसोन दिया था। यहाँ पर देखिए पारस शर्मा जुड़े हैं बी ऑप्शन के साथ, इन्होंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला लेकिन ऑप्शन बी दिया है, तो मैं समझता हूँ इन्होंने 86 का बी दिया होगा। 87वां क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 87 के लिए आंसर देना भैया। 87 के लिए यहाँ पर थोड़ा समय लेते हुए बच्चे देखिए, 87 के लिए अंकुर ने बी बता दिया है, जबकि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 88वां आपके सामने रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, और ये आ चुका है अब आप कहें मोबाइल पर पूरा क्वेश्चन। 87 के लिए बी निखिल ने बताया है और आशीष ने बता दिया है 87 का बी, तो 87 के लिए सी ऑप्शन सही है, जबकि 88वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 88वां क्वेश्चन के लिए सही जवाब देना है, 88वां क्वेश्चन आपके सामने है। दो क्वेश्चनों के बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे दो क्वेश्चनों के बाद। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या ऑप्शन बनेगा भैया सही। क्वेश्चन नंबर 88, समय लगता हुआ क्योंकि छोटा भी हो चुका है क्वेश्चन, तो 88 के लिए भैया ए ऑप्शन सही है, कौन सा ए ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा 88 के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 आ चुका है सामने आपके, यहाँ पर जो है निखिल ने कर दिया है 87 का बी, जबकि अंकुर का भी आ चुका है, और साथ ही साथ आशीष ने भी कर दिया है 88 के लिए। देखें यहाँ पर आशीष का सी आ चुका है, अंकुर का सी आ चुका है, और शिवम त्यागी यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं बी ऑप्शन, मनावली वाले हैं, शिवम त्यागी मनावली वाले बी ऑप्शन के साथ जुड़े हैं, और यहाँ पर निखिल ने कर दिया है ए ऑप्शन, जबकि आशीष ने कर दिया ए ऑप्शन। 89वें क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने रख दिया गया है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, और सभी इसका जल्दी से जवाब देंगे, सभी बच्चे जल्दी से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 90 का। 90वें क्वेश्चन का जवाब दें भैया जल्दी से, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद केवल और केवल 10 क्वेश्चन बचेंगे। 90 क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर देखिए आशीष की तरफ से सी है, अंकुर की तरफ से सी है, और निखिल की तरफ से ए है, तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। जिसने भी हमारी वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनका अगर ना भी बताऊँ आपको और कभी तुक्का भी मानना हो तो मुंबई ही लगा दें इसका आंसर भैया। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है, यहाँ पर शिवम त्यागी ने बता दिया है ए, और पारस शर्मा का आया है भैया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ से कंप्यूटर ज्ञान चलता है, कंप्यूटर का कितना ज्ञान आप ले रहे हैं उसकी बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 91 जल्दी से बताना है, क्वेश्चन नंबर 91, किसी संगठन के स्वयं के संसाधनों के प्रयोग से विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए देखें यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्शन सही बनेगा, कौन सा सी ऑप्शन सही बनेगा। देखिए बहुत ज़्यादा समय ले जाते हैं कई बार आप, निखिल ने इसी कर दिया है, पारस का भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 91 का, जबकि 92वां क्वेश्चन आपके सामने है। कम्युनिकेशन
फैसिलिटी द्वारा लिंक्ड कई पृथक कंप्यूटरों कंप्यूटर नेटवर्कों द्वारा कई विभिन्न लोकेशनों पर निष्पादित डाटा प्रोसेसिंग डेस्क के रूप में जानी जाती है। आशीष राणा ने 91 का सी, अंकुर ने 91 का डी और आदित्य शर्मा की तरफ से बी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 92 का यहाँ पर जवाब देना है आपको। देखिए अभी तक आप लगभग 40 मिनट का समय ले चुके हैं, लगभग 40 मिनट का समय आज आपने लिया है। और क्वेश्चन नंबर 92 के लिए निखिल का ए आया है जबकि आशीष ने कर दिया है ए, और 92 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। कौन सा भैया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। SMTP से क्या तात्पर्य है? SMTP से क्या तात्पर्य है ये बताना है। पारस शर्मा का 92 का बी है, अंकुर का भी है और सियोम त्यागी का भी यहाँ पर सी ऑप्शन आया है। SMTP का पूरा नाम बताना है, क्या तात्पर्य है। एक तरह से पूरे नाम की बात चल रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93 के लिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 के लिए देखिए ये आंसर आए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 93 के लिए, और निखिल ने ए कर दिया है यहाँ पर, साथ ही साथ अंकुर का सी और आशीष का यहाँ पर ए, जबकि आदित्य शर्मा का भी ए ऑप्शन किया गया है क्वेश्चन नंबर 93 का, और 93 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कौन सा भैया? डी ऑप्शन सही है। 94वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, ये है 94वां क्वेश्चन। पारस शर्मा बता रहे थे ए ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर कौन सा बना भैया? यहाँ पर बन चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 93 का डी ऑप्शन। 94वां क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए भाई। 6 मात्र क्वेश्चन रह जाते हैं इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर शिवम त्यागी ने सी बता दिया है, 94वां क्वेश्चन बताना है। 94 क्वेश्चन नंबर 94 बताना है भैया। 94 क्वेश्चन के लिए क्या जवाब सही बनेगा, जल्दी से यहाँ पर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए यहाँ पर 94 के लिए अंकुर ने भी बता दिया है, पारस भी बता रहे हैं और आशीष ने बता दिया है डी, जबकि पारस शर्मा का सी था, वो ई नहीं था, मतलब सी था। तो 94 के लिए जो ऑप्शन बनेगा भैया वो बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। 95वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। देखें ईमेल मैसेज में ब्रैकेट वाले टैक्सेस का प्रयोग क्यों किया जाता है। निखिल का 94 का सी है, पारस का सी आ ही चुका था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। 95 के लिए देखना होगा कि किसका जवाब सही आता है। 95 केवल 5 क्वेश्चन इसके बाद से बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 जल्दी से जवाब आ जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 का। ईमेल मैसेज में ब्रैकेट वाले टेक्स्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है, और 95 का यहाँ पर देखें सी ऑप्शन हो जाएगा भैया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने रख देता हूँ, पहले मैं ये 96 रख दिया गया है। और अगर बात करें तो ऑप्शनों की यहाँ पर, तो निखिल का 94 का सी है, अंकुर का भी है और आशीष का यहाँ पर 95 का सी है। क्वेश्चन नंबर 96 के लिए बताना है भैया। सीओम त्यागी ने भी बता दिया है 95 का यहाँ पर, और 96 के लिए बताना है। 96 के लिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 एक इंटरनल कंपनी नेटवर्क है जो इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, जो यूजर को डॉक्यूमेंट का पता लगाने, शेयर करने, सहयोग करने और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देता है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 96 के लिए देखें यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा भैया। सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 96 का। 97 आपके सामने है, और 96 के लिए अगर बात करें तो अंकुर ने भी बताया है, आशीष ने डी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, डैश एक प्रोसेसिंग टेक्निक है जो प्रोसेसिंग आरंभ होने से पूर्व और डाटा को संचित करने की अनुमति देता है। देखिए 96 के लिए सी, निखिल का, अंकुर का भी बी आ चुका है, जबकि 96 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो चुका है। तो यहाँ पर आशीष ने भी कर दिया है, निखिल ने कर दिया है और आशीष राणा का 97 का सी, जबकि यहाँ पर अंकुर का ए है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो 98 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही जाएगा। 98 क्या जाएगा भैया? ए ऑप्शन सही। और यहाँ पर देखे 99वां क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जबकि यहाँ पर अंकुर ने 98 का बी किया था। किसी धोखेबाज अपराधकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को फुसलाकर उसकी गोपनीय सूचना जैसे पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 99 के लिए क्या सही जवाब बनेगा? सही जवाब की हमें भी तलाश है और आपको भी सही जवाब की तलाश है क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशीष का यहाँ पर बिल्कुल सही है, निखिल ने जबकि ए कर दिया है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, मास मर्जर मर्ज एक फीचर है जो संभवतः निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर पैकेज में पाया जाता है, किस में पाया जाता है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए बात करें, 100 के लिए बात करेंगे यहाँ पर, जबकि पहले यहाँ पर देख लेते हैं 99 के लिए सी ऑप्शन दिया है अंकुर ने और स्वयं त्यागी ने बी ऑप्शन कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा ऑप्शन भैया? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये पूरा आपका हो चुका है आज का जो टेस्ट था, मॉक टेस्ट, वो समाप्त कर दिया गया है आपके लिए। जो बच्चे लेट जुड़े हैं या जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए हैं, बहुत सारे आज क्वेश्चन ऐसे थे, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन नहीं हैं जिनमें कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत रही है, तो वो इन क्वेश्चनों को लिखें और लिखने के बाद भैया कंठस्थ कर लें। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुके हैं और उनमें भी आपको दिक्कत होती है तो बड़ी ही समस्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे और ऐसा हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए सुबह 7 बजे तक के लिए धन्यवाद।